हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को ईआरएफ फिजिक्स क्लासेज में स्वागत है। हम लोग बात करते हैं एक नंबर और दो नंबर का प्रश्न याद करने का सबसे आसान तरीका कैप्सूल के रूप में, यानी कि कैप्सूल ऑफ फिजिक्स इन हिंदी मीडियम। सबसे पहला हम कैप्सूल ईआरएफ फिजिक्स क्लासेस 48 है यानी कि 40वां दिन की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ओम के नियम का सूत्र बताएं। ओम के नियम का सूत्र बताएं तो भी इज इक्वल टू आई आर। इसके पहले वीडियो पर पहले कैप्सूल में हम लोग पढ़ चुके हैं ओम का नियम, अब हम लोग पढ़ रहे हैं ओम के नियम का सूत्र। तो ओम के नियम का सूत्र इज इक्वल टू क्या होगा, भी इज इक्वल टू आई आर। भी जो होता है विभवांतर, भी वो कह सकते हैं, आई जो है विद्युत धारा और आर जो है वो प्रतिरोध है, तो भी इज इक्वल टू आई इंटू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो कहेंगे किसी चालक का प्रतिरोध मूल रूप से चालक में विद्युत धारा के प्रवाह में किया गया विरोध है। प्रतिरोध किसे कहेंगे, किसी चालक में प्रतिरोध मूल रूप से चालक में विद्युत धारा के प्रवाह में किया गया विरोध, यानी कि जब कोई चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उस विद्युत धारा के अवरोध करना यानी कि विरोध करने को ही हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रतिरोध का सूत्र बताएं, प्रतिरोध का सूत्र बताएं। तो कहेंगे कैपिटल आर इज इक्वल टू वी बाई आई, कैपिटल आर इज इक्वल टू वी बाई आई यानी कि विभव बाई विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक बताएं। तो कहेंगे प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो कहेंगे ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का विमीय सूत्र बताएं। प्रतिरोध का विमीय सूत्र बताएं, तो कहेंगे ML का पावर 2, T का पावर -3, A का पावर -2 होता है। प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होगा, ML का पावर 2, T का पावर -3, A का पावर -2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक का बताएं, मुख्य कारक बताएं। किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक बताएं, तो कहेंगे सबसे पहले चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती, यानी कि R अनुक्रमानुपाती L, यानी कि जितनी लंबाई बढ़ेगी तार का प्रतिरोध का मान उतना ही अधिक होगा, तो कहेंगे चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा जो है मुख्य कारक, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। जितना ही तार का चालक पदार्थ का क्षेत्रफल अधिक होगा प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा। किसी भी चालक पदार्थ का जितना ही अधिक क्षेत्रफल होगा उस पदार्थ का प्रतिरोध जो होगा उतना ही कम होगा। नेक्स्ट और इस कैप्सूल की लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ओमीय चालक तथा अनओमीय चालक में के मध्य क्या अंतर है। तो कहेंगे ओमीय चालक ओम के नियम की पालन करता है, ओमीय चालक जो होता है ओम के नियम का सटीकता से पालन करता है, जबकि अनओमीय चालक ओम के नियम का पालन नहीं करता है। तो ओमीय चालक तथा अनओमीय चालक के मध्य भी वह अंतर क्या है, तो कहेंगे ओमीय चालक ओम के नियम का सटीकता से पालन करता है, जबकि अनओमीय चालक ओम के नियम का पालन नहीं करता है। नेक्स्ट डे की बात करते हैं, यानी कि ईआरएफ फिजिक्स क्लासेस 41 डे का सबसे पहला क्वेश्चन है, अनओमीय युक्ति क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए या बताइए। अनओमीय युक्ति क्या है, इसका एक उदाहरण बताइए। तो कहेंगे अनओमीय युक्ति ओम के नियम का सटीकता से पालन नहीं करती। अनओमीय युक्ति ओम के नियम का सटीकता से पालन नहीं करती, जैसे ट्रायोड बल्ब और ट्रांजिस्टर। इसमें क्या होता है कि आवेश का प्रवाह जब होता है तो इसका विभव में कम बेसी होता है, इसलिए ये ओम के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए इसको अनओमीय युक्ति बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए, धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए। तो कहेंगे किसी चालक में किसी बिंदु के परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक में
किसी बिंदु के परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व का सूत्र बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा घनत्व का सूत्र बताएं। तो कहेंगे धारा घनत्व जे इज इक्वल टू आई बाई ए। जे जो है धारा घनत्व है, आई जो है आपका विद्युत धारा है, ए जो है वो क्षेत्रफल है। तो धारा घनत्व इज इक्वल टू विद्युत धारा बटा में क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा घनत्व कौन सा राशि है, धारा घनत्व कौन सा राशि है। तो कहेंगे धारा घनत्व एक सदिश राशि है। धारा घनत्व कौन सा राशि है, एक सदिश राशि है। धारा घनत्व का मात्रक बताइए। तो कहेंगे धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा घनत्व का विमीय सूत्र बताइए। धारा घनत्व का विमीय सूत्र बताइए। तो कहेंगे धारा घनत्व का विमीय सूत्र एल का पावर माइनस टू होता है। धारा घनत्व का विमीय सूत्र क्या होता है, एल का पावर माइनस टू होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, धारा घनत्व की दिशा बताइए। धारा घनत्व की दिशा बताएं। तो कहेंगे धारा घनत्व की दिशा धारा के प्रवाह के समान होती है, यानी कि जिस और जिधर की ओर धारा बहती है उधर की ओर क्या होता है, धारा घनत्व की दिशा होती है। तो धारा घनत्व की दिशा क्या होता है, तो कहेंगे धारा घनत्व की दिशा धारा के प्रवाह के समान होती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो जब भी हम अपलोड करें वो आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों को भी दिखाइए। और इस वीडियो को बार बार देखिए, सुनिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है एक नंबर और दो नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। आपके एग्जाम में टोटल 17 नंबर का होता है, जिसमें आपका 55 नंबर इस कैप्सूल से आपको मिल जाएगा। यदि कैप्सूल 1 to Z यानी कि एक से पूरे लास्ट तक देखते हैं, सारा कैप्सूल अगर आप देख लेते हैं तो आपका एक नंबर भी एग्जाम में नहीं कट सकता है, 100% आपके एग्जाम में आएगा। ये सारे कैप्सूल जो होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार देखने देखिए और प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए मिलते हैं।